छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम और नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सीतापुर नगर पंचायत में कितना विकास हुआ है, विकास के दावे पूरे हुए हैं या नहीं, इसे जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दीपक कश्यप सीतापुर नगर पंचायत पहुंचे और वहां के नागरिकों से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की गई कि विकास के दावे पूरे हुए हैं या नहीं। क्यों अच्छा वहां है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नगर पंचायत और नगर निगम में कितना विकास हुआ है, किस प्रकार की अब तक विकास को लेकर के दावे जो हुए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, इसे जानने के लिए आज हम सीतापुर नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। यहां से कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या नगर पंचायत में कितना विकास हुआ है, क्या नगर पंचायत को बने कितना वर्ष हो गया। नगर पंचायत यहाँ छत्तीसगढ़ बनने के साथ बना था। अब विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ? नहीं, सीतापुर में तो विकास काफ़ी हुआ है, बाकी साफ सफाई की व्यवस्था की कमी है। क्या लगता है यहाँ जो वार्डों में जो साफ सफाई है, चाहे सड़कों का हाल है, किस प्रकार की व्यवस्था है अभी तक? सड़क का हाल तो यहाँ शुरू से बेहाल रहा है, अभी लगभग 10-11 महीने से सरकार बदली है। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक बहुत आंदोलन करते थे और उनकी सरकार बनने के बाद विधायक का कभी रोड के प्रति कोई न तो कोई समाचार आया न कोई कार्यक्रम दिखने को दिखता है। तो कांग्रेस के यहाँ विधायक जो सीतापुर विधायक अमरजीत भगत हैं वो तो यहाँ पीछे 15 साल से, तो क्या कहीं क्या रह गया चूंकि जो विकास नहीं हो सका है? उम्मीद तो है क्षेत्रवासियों को, चूंकि अब बड़े दायित्व है, मंत्री बन गए हैं, तो उम्मीद है कि भी क्षेत्र का काफी डेवलप होना चाहिए। बाकी उनको भी मेरे ख्याल से 5 महीना हो गया मंत्री बने, अभी तक उनके तरफ से ऐसा कोई पहल दिखा नहीं कि क्षेत्र में कोई बड़े काम उनके द्वारा कोई करवाए हो या कोई मांग रखी गई हो। ऐसी कौन सी समस्या है या ऐसी कौन सी जो वादे किए गए थे अब तक पूरे नहीं हुए? वादे तो इन्होंने सब कहा था कि हम 10 दिन के अंदर पूरे कर देंगे, आप सबके सामने हैं कितने वादे इन्होंने पूरे किए हैं। मतलब आपके अनुसार जो वादे इन्होंने कहे थे वो अब तक पूरे नहीं हुए? होंगे भी नहीं, झूठे आश्वासन थे, वो झूठे वादे थे। तो यहाँ पे झूठे आश्वासन का आरोप लग रहा है, और भी कुछ हैं यहाँ से इनसे जानते हैं। हाँ, क्या लगता है यहाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, इससे पहले भाजपा का जब शासन था तो विकास का यहाँ कितने बड़े बड़े काम चलते थे, लेकिन जब से कांग्रेस आई है यहाँ तब से कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा है, न क्षेत्र में, न गाँव में, न गली में, कहीं कुछ एक ठो यहाँ कोई भी विकास के नाम पर कोई काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, खाली बस ऐसे ही अल्लाह करके ये लोग जीत लिए हैं। और सब भाजपा के शासनकाल में यहाँ विकास हुआ है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से विकास नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं इस नगर पंचायत सीतापुर में। सीतापुर में तो कोई अभी ऐसा नहीं हुआ है, विकास में नहीं हुआ है, ना रोड बना है, ना कुछ नहीं अभी। यहाँ क्या क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है? अभी तो अब रोडे का दिख रहा है अभी फिलहाल। प्रमुख मुद्दा जो है रोड का है, रोड बहुत ही खराब स्थिति में है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, क्या समस्या है नगर पंचायत की, क्या क्या समस्याएं हैं अभी? समस्या बस रोड का समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बार बार यहाँ के मंत्रियों नेताओं को बोला जा रहा है कांग्रेस का शासन है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज लोग निपटते जा रहे हैं। तो क्षेत्रवासियों का यही कहना है कि रोड को बनवा दें अच्छे से, बस। जो नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं तो क्या लगता है वो इस क्षेत्र में काम किए हैं, कितना काम किए हैं? काम किए हैं, हल्का फुल्का काम किए हैं, और अभी चुनाव करीब आ रहा है तो देखिए। संतुष्टिजनक काम नहीं किए हैं? संतुष्टिजनक काम नहीं किए हैं।
आप इस बार नगर जो चुनाव होने वाला है नगर पंचायत का, तो किस प्रकार का आप नगर पंचायत अध्यक्ष पद चुनना चाहेंगे? अब उसके विषय में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी, है ना। तो नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारे साथ यहाँ सीतापुर के युवा पत्रकार भी हैं, इनसे जानते हैं कि ये पिछले कई सालों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्या एक्चुअल में देखी जाती है यहाँ पे जो अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। जी मैं बता दूं आपको, हमारे नगर पंचायत के जो अध्यक्ष मैडम जो हैं फिलहाल वो जो है शहर का भ्रमण ही नहीं करती हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हैं यहाँ के जो है इतने जिम्मेदार अधिकारी वहाँ कार्यालय पे बैठना मुख्यालय में रहना पसंद नहीं करते हैं। वो हमारे सीतापुर का विकास बात करें तो आज विकास काफ़ी ठप है। आप हमारे शहीद भगत सिंह चौक को देख सकते हैं, जो ये जो है आज तक इसे कोई देखने वाला नहीं है, केवल यहाँ पे बस बना करके छोड़ दिए। साफ़ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं आप, अगर कई वार्डों का अगर आप भ्रमण करें तो वार्डों पे हर जगह कचरे मिलेंगे आपको, हर जगह गंदगियों का अंबार मिलेगा, लेकिन कोई प्रकार के यहाँ पे साफ़ सफाई का कोई उचित व्यवस्था नहीं। यहाँ के जितने भी पार्षद हैं और जो भी है बिल्कुल जो है सक्रिय नहीं है, बिल्कुल अपने सूद पे केवल लगे रहते हैं। जी तो क्या लगता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस ओर पहल नहीं कर रहे हैं, कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते, क्या वजह मानते हैं इसे? जी मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ के जो आम लोग भी हैं वो भी एक सुस्त प्राणी टाइप से यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ सीतापुर का जो एरिया जो है यहाँ पे अमीर माटी के गरीब लोग आज भी निवास करते हैं सीतापुर पर। जी तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों में आक्रोश है, जो विकास होना चाहिए था नगर पंचायत सीतापुर में वो विकास नहीं हुआ है। जो भगत सिंह जो सीतापुर का हृदय स्थल चौक है यहाँ की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है, यहाँ जगह जगह पानी भरे हुए हैं, रोड की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है। अब तो देखना होगा कि नगर पंचायत चुनाव सामने है, ऐसे में किस प्रकार का विकास किया जाएगा आगे दिनों में। दीपक कश्यप, फर्स्ट इंडिया 24, अंबिकापुर।